हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक विच इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वी आर डिस्कसिंग द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड किस तरह से बनता है वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सिलसिले में आज हम हमारी थर्ड थ्योरी शुरू करेंगे विच इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था हिटलर एंड लंदन ने 1927 ने, ठीक है, हिटलर और लंदन ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद डेवलप इसको किया गया पॉलिंग्स और अदर्स के थ्रू। तो इस थ्योरी को समझने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? ये बेस्ड है किसके ऊपर? बेस्ड है नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग किस तरह से होती है ये आपको समझना है, ओवरलैप क्या होता है ये समझेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सबसे एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये सब हम समझेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस से होता है? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 होता है, तो ये H2 का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है? मेनली हम बॉन्डिंग को ही समझ रहे हैं। तो देखो, ये एटम A है और ये एटम B है। ये एक हाइड्रोजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम ये है, दो एटम है, ठीक है। ये बीच में है, ये एन ए, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये एन बी, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है और ये जो डॉट लगा हुआ है दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन ए न्यूक्लियाई ऑफ ए, एन बी न्यूक्लियाई ऑफ बी, ई ए इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड ई बी इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। सो एज दिस एटम अप्रोच ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज बिगिन टू ऑपरेट। जैसे ये एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, अप्रोच करना मतलब एक दूसरे के पास में आते हैं, तो When this atom approach each other, new attractive and repulsive forces, तो नई तरह की एक तो attraction force और repulsion force वहाँ पर शुरू हो जाती है, operate होने लगती है। नई तरह की attractive repulsive force वहाँ से शुरू होना शुरू होती है। तो attractive force किस तरह से होती है? देखो, attractive force किस में होती है? Na, nucleus of A and electron of A, इन दोनों के बीच में attraction है। ये diagram आप देखो, nucleus of A एंड ये electron of A, इन दोनों के बीच में attraction है। उसी तरीके से न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इन दोनों में अट्रैक्शन है। एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये जो न्यूक्लियस का इसका न्यूक्लियस है और ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है। उसी तरीके से ये न्यूक्लियस बी है इसमें और इस ई ए वाले इलेक्ट्रॉन इसमें इनमें अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। उसी तरीके से रिपल्शन काम करता है अट्रैक्शन की वजह से, तो दोनों एटम पास पास आएंगे और रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इन दोनों में रिपल्शन होगा क्योंकि इनमें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे। एंड एन ए ऑफ ए एंड एन ए ऑफ बी, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब देखो, अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम क्लोज। अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा? दोनों एटम को पास पास लाने की कोशिश करेगा। वेयर एज रिपल्सिव फोर्सेस टेंड्स टू पुश देम अपार्ट, जबकि रिपल्सिव फोर्स उनको दूर जाने की भेजने की कोशिश करेगा। ये डायग्राम देखो, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का ए वाले एटम का, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन के बी वाले एटम का, और ये है इलेक्ट्रॉन बी वाले एटम का, और ये है इलेक्ट्रॉन ए वाले एटम का, है ना। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। ये जो लाइन दिख रही है ये है आपकी न्यू फोर्सेस, नई फोर्स, जब ये इसके एच ए इलेक्ट्रॉन और ई बी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। और ये जो पुराना अट्रैक्शन तो यही सही है, जो डॉट डॉट लाइन से मैंने बताया इस न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये देख सकते हो आप। तो ओल्ड फोर्सेस एंड न्यू फोर्सेस, तो आप अट्रैक्टिव फोर्स आप देखोगे तो उसी तरह से रिपल्सिव फोर्स भी होगी। देखो, ये इलेक्ट्रॉन है ई ए एंड ये इलेक्ट्रॉन है ई बी, इन दोनों में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। उसी तरीके से न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, इनमें भी रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन न्यू रिपल्सिव फोर्स, जो नई अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुई है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यू रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा
और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी कहलाएगी, 74 पिकोमीटर। देखो डायग्राम बुक से आप यहाँ पर दे रखा है, देखो ये एनर्जी है इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और इस तरफ पे बॉन्ड लेंथ। तो देखो ये दो एटम है, ये हाइड्रोजन के दो एटम, जब ये दोनों एक दूसरे से अप्रोच कर लेंगे मतलब बॉन्डेड हो जाएंगे तो इनकी एनर्जी मिनिमम होगी। देखो ये एनर्जी यहाँ पर है इस पॉइंट पर 435.8 किलो जूल पर मोल। तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, जब ये थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो एनर्जी का कर्व यहाँ कहीं पे, और जब बिल्कुल एक दूसरे से दूर रहेंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी। जब बॉन्डेड कंडीशन में होंगे तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग को बता रखा है इस तरह से रेड लाइन के कर्व से ये दोनों। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप, ओवरलैपिंग क्या होती है, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है इस थ्योरी को समझने के लिए। तो देखें हम ओवरलैपिंग क्या होती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देर इज ए मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन टू हाइड्रोजन एटम आर सो नियर। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उनमें एक मिनिमम एनर्जी होती है, मैंने अभी आपको बताई कर्व में। तो हम बोलते हैं तो दोनों हाइड्रोजन एटम दोनों बहुत जब एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, तो जब वो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास में आने लगेंगे, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल अंडर गो पार्शियल इंटरप्रिटेशन। एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल में पिनिट्रेट होने लगेगा, इंटरप्रेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ये हम उसको बोल सकते हैं मर्ज हो जाएगा। आप इसको ये देखो, ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये दोनों एक दूसरे से अभी दूर है, ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास में आएंगे। देखो ये ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन में स्फेरिकल होता है ना एस ऑर्बिटल, ये दोनों थोड़े पास में आएंगे। अब थोड़े और पास में आएंगे तो ये वाला ऑर्बिटल देखो और इस ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में मर्ज हो गए, मिक्स हो गए। इसी को हम बोलते हैं ओवरलैप होना, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में पार्शियल मर्ज होता है। पार्शियल मतलब उसका थोड़ा बहुत हिस्सा, देखो ये थोड़ा बहुत हिस्सा ही मर्ज हुआ है, मिक्स हुआ है, पूरा ऑर्बिटल मिक्स नहीं हुआ है। इसी को हम बोलते हैं ओवरलैप हो जाना, जिससे कि क्या होगा, जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाएंगे विच रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा और हम बोलेंगे हाँ अब इनके बीच में बॉन्ड बन चुका है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्डिंग को इस तरह से उसने बताया कि बॉन्डिंग किस तरह से बनी है जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग कितने तरह से हो सकती है, ठीक है, ओवरलैपिंग कितने कितने तरह की होगी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव ओवरलैप, देखो ये है पी जेड वाला ऑर्बिटल और ये है पी जेड वाला, इसका शेप होता है स्फेरिकल, एक ऑर्बिटल ये है, इन दोनों में इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, दिख रहा है ये ओवरलैपिंग, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये चार्ज नहीं, ये पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन है और इस नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो उनमें ओवरलैपिंग होगी, तो ये ओवरलैपिंग इस तरह से होगी पी जेड वाले में, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, उसी तरीके से पी जेड वाले में और एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी, ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। उसी तरह से हम बात करें अगर पी एक्स वाले में, तो ये देखो पी एक्स वाले में और ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, ये एक ऑर्बिटल है और ये ओवरलैपिंग वाले हिस्से को मैंने ये अलग कलर से शो कर रखा है, ये ओवरलैप हो चुका है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जेड वाला। उसी तरीके से वाई वाला भी देख सकते हो, ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगी क्योंकि जो पी वाला ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल होता है। ये तो ये है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। उसी तरीके से नेगेटिव ओवरलैपिंग आप देखो, नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव, मतलब इस जगह इलेक्ट्रॉन और इस जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ओवरलैप होने के लिए, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। उसी तरीके से ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, पॉजिटिव वाला हिस्सा, मतलब यहाँ ये तो सिमेट्रिकल है तो इसमें सभी जगह इलेक्ट्रॉन होता है एस ऑर्बिटल में, लेकिन पी वाले में एक जगह होता है, एक लोब में होगा एक लोब में नहीं होगा। उसी तरीके से पी एक्स वाला आप देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरलैपिंग नेगेटिव रहेगी, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। और जीरो ओवरलैप किसको बोलते हैं हम, ये जीरो ओवरलैप देखो, ये है आपका पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जब एस ऑर्बिटल से इस तरह से अप्रोच करे, इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आएगा तो इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ये जीरो ओवरलैप है। उसी तरह से ये वाला हिस्सा हम देखो, पी एक्स और पी वाई, पी एक्स और पी वाई में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ओवरलैपिंग पी एक्स में होगी, पी वाई में होगी और पी जेड में होगी, पी एक्स पी वाई से ओवरलैप नहीं कर सकता या पी जेड पी वाई से ओवरलैप नहीं कर सकता। ठीक, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझ रहे हैं, ओवरलैपिंग कितने तरह से होती है हम ये देख चुके हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड में बी क्लासीफाइड इन टू टाइप्स ऑफ, ऑन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बेस पर हम इसको टाइप कोवेलेंट बॉन्ड को बांटेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड
और एक होता है पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग के बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग के बेस पर एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक होगा पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड को समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? एंड टू एंड या हैंड ऑन, ये वर्ड याद रखें। एंड टू एंड ओवरलैप हो या हैंड ऑन ओवरलैपिंग हो अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देखो अब एंड टू एंड ओवरलैप किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम एस एस ओवरलैपिंग देखते हैं। एंड टू एंड ये वर्ड ध्यान रखें और हैंड ऑन ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में जब ओवरलैपिंग होगी, ये देखो एस ऑर्बिटल, दिस इज एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें हैंड टू सॉरी एंड हैंड जोन ओवरलैपिंग होती है। देखो ये हैंड जोन ओवरलैपिंग इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अब एस और पी आपस में ओवरलैप होंगे, तो एस और पी जब भी ओवरलैप होंगे आपस में तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऑलवेज एस ऑर्बिटल ओवरलैप करे और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तब भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनने वाला है। तो ये है एस पी ओवरलैपिंग, ठीक। अब देखो एक है पी पी ऑर्बिटल, पी और पी ऑर्बिटल, ये है पी जेड वाला, ये पी जेड, ये दोनों इस तरह से जब ओवरलैपिंग करे, ये पी जेड पी जेड, ये दोनों इस तरह से ओवरलैपिंग करे, ये ओवरलैपिंग मैंने बना रखी है, इसको आप दिमाग में बिठा लें, तो ये ओवरलैपिंग भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि ये एंड, ये एक एंड है और एक एंड ये है, इसलिए इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहा गया है। तो जब ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड देखा हमने कितने तरह से, एस एस ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस पी ओवरलैपिंग होगी तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पी पी ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड कब बनेगा। व्हेन पाई बॉन्ड फॉर्म्स, तो पाई बॉन्ड फॉर्म कब होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग कॉन्सिस्ट ऑफ ए टू सोसर टाइप चार्ज क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग। देखो ये है आपका एक पी ऑर्बिटल और एक ये पी ऑर्बिटल, इसमें देखो ये वाला हिस्सा इस और इस, ये और ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले से ओवरलैप करेगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले से ओवरलैप करेगा, इसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये साइड है इसकी ओवरलैप कर रही है, पहले ये ऊपर वाला एक ही हिस्सा ओवरलैप कर रहा था, अब ये साइड है ओवरलैप कर रही है। देखो ये मैंने बना रखा है इस तरह से, आप इसको बनाएं, ये साइड वाला हिस्सा ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक। जब ये ओवरलैपिंग होगी तो ये है आपका एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और एक्सिस के नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो ये ओवरलैप होने के बाद इस तरह से डायग्राम बनेगा, तो या तो ऐसा बनाएंगे या ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कब बनता है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने पर पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक। इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड्स ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग डायरेक्शन देखेंगे अब हम, इनकी दिशा। तो देखो ये मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, इन शेप में टेट्राहेड्रल। अमोनिया का शेप होता है पिरामिडल शेप का होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बेंट और वी शेप का होता है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक तो बॉन्डिंग को समझना है और एक उसके शेप को समझना है, दोनों चीज़ों को समझना है। तो बॉन्डिंग हमने देखी किस तरह से होती है, अब हम शेप को समझेंगे, ठीक। ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड बनता है ना, अब शेप किस तरह से होगा तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मीथेन मॉलिक्यूल आप देखो, सी द डायग्राम ऑफ मीथेन, ये मीथेन है, इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये वाले, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन अब क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये एस ऑर्बिटल है, ये 2s1 2p3, तो एस ऑर्बिटल ये स्फेरिकल होता है, px py एंड pz ये इस तरह से होता है। अब देखो तो होगा क्या, ये वाला ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो देखो CH4 है, ये कार्बन के ऑर्बिटल हैं। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका ऑर्बिटल S है, ये S वाला इससे भी ओवरलैप करेगा, इससे भी ओवरलैप करेगा, इससे भी ओवरलैप करेगा और इससे भी, इन चारों से ओवरलैपिंग करेगा। तो देखो ये 1s1 वाला S वाला S से ओवरलैपिंग कर रहा है,
ये हाइड्रोजन का एस वाला पी वाले से ओवरलैपिंग कर रहा है, फिर ये 2PY वाले से ओवरलैपिंग कर रहा है और 2PX वाले से ओवरलैपिंग कर रहा है। तो एस वाला जब भी ओवरलैपिंग करेगा तो हैंड जोन ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जब ओवरलैपिंग होती है तो पी ऑर्बिटल तो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये आपके एक्सिस हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, 3D में होता है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 90 डिग्री के एंगल पे होती है ना। जैसे ये तीनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 3D में होता है। तो समझ लो ना, आपके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो ये लंबाई में भी इस तरह से रहेगा, देखो ये चौड़ाई है, ये एक ऑर्बिटल है पी जेड वाला, फिर ये कि पी एक्स वाला, फिर ये कि पी वाई वाला। ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है और इसी के सेंटर में है आपका एस ऑर्बिटल। तो जब ये 90 डिग्री के एंगल पर हैं ये तीनों जब ऑर्बिटल 90 डिग्री के एंगल पर है तो बॉन्ड बनने के बाद भी ये 90 डिग्री पर ही होना चाहिए। समझ रहा, जब बॉन्ड बन जाएगा तब भी ये 90 डिग्री पर होना चाहिए ना। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मीथेन में जो बॉन्ड एंगल है वो तो 90 डिग्री नहीं होता है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब ओवरलैपिंग हो रही थी तो ऑर्बिटल में 90 डिग्री पे वो प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बनने के बाद तो 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है एक्चुअली में, जब हमने इसको जांचा तो ये तो हमारे एक डिसएग्रीमेंट विद द एक्चुअल बॉन्ड एंगल, हमारा जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है उससे एग्री नहीं करती ये चीज़। तो अब क्या करें, इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट कैसे होगा। तो इसी को समझने के लिए एक और नया कंसेप्ट लाया गया। वो जो नया कंसेप्ट था वो था हाइब्रिडाइजेशन। इसको इंट्रोड्यूस किया था पॉलिंग ने, ये जो बॉन्ड एंगल है ये एक्चुअल बॉन्ड एंगल कैसे होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले इसको एक समझे। आपके पास दो कलर है, एक येलो कलर है और एक ग्रीन कलर है, आप दोनों को मिक्स कर दो तो एक नया कलर बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो दो कलर को मिक्स कर दें हमने और एक नया कलर बनाया तो वह हाइब्रिड कलर कहलाएगा। उसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, अब हमको एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करना। तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, दो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्स होंगे सो उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, और नए ऑर्बिटल बनेंगे। दो या तीन या चार ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, जिनकी सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी और उनका शेप भी अलग होगा। पहले जो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, जब वो मिक्स होने के बाद उनका एंगल चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आप देखो, ये है कार्बन C6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 एंड 2p2। ये ग्राउंड स्टेट में, अब एक्साइटेड स्टेट में तो एक इलेक्ट्रॉन ये s वाला p में चला जाएगा, ये जंप हो जाएगा, तो यहाँ पे 1s 2px 2py एंड 2pz, ये s वाला एक ऑर्बिटल, ये p वाला, ये pz, ये 2py एंड 2pz, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, चारों आपस में मर्ज हो जाएंगे, मर्जिंग होगी। अब मर्ज होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, चार ऑर्बिटल आपस में मिले तो चार नए ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो ये चार नए ऑर्बिटल जब बनेंगे तो इन सबका शेप ऐसा होगा, ये वाला शेप होगा इसका। ये देखो, ये एक ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं हम, ये एक लोब है, ये एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब होगा, ठीक है। ये एक लोब है, फिर ये दूसरा ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, इन चारों ऑर्बिटल में, चार ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो चार नए एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं। तो अब इन सब में जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री और 28 मिनट का, जो कि हमको चाहिए था पहले। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन होकर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद उन्होंने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। इन सब की इक्विवेलेंट एनर्जी, ये जो चार नए ऑर्बिटल बने 1, 2, 3 एंड 4, ये सब इक्विवेलेंट है एनर्जी, इन सब की एनर्जी एक समान है। अब ये यहाँ पर बॉन्ड बना सकते हैं, पहले वो बॉन्ड बनाने के लिए परफेक्ट नहीं थे, हमने उनको थोड़ी परफेक्ट बनाया। कैसे बनाया, हाइब्रिडाइजेशन होकर। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, देखो एक एस है और पी कितने, 1, 2 एंड 3, 3p है, तो इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक एस है और 3p है तो इसको हमने बोला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का, ओके। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ताकि वो बॉन्ड एंगल के शेप के अकॉर्डिंग वो फिट बैठ सके। अब हम तरह तरह के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट
सेशन, जो कि हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये था आपका, नेक्स्ट सेशन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ख़त्म होगी। आप इनके नोट्स बनाते जाएं और बाकी हम बाद में देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड बाय बाय, थैंक यू।